प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल गया तंबू में। आइंदा मुझे सुंदर के बारे में कोई फोन मत करना। मैं इधर फैमिली के साथ घूमने आया हूँ और तुम मुझे सुंदर के बारे में बात करके परेशान कर रहा। खबरदार, आइंदा मुझे सुंदर के बारे में फोन किया तो समझा। अरे भाई, क्या हुआ, इतनी रात को चिल्ला क्यों रहा है? अरे भीड़ है बापूजी, मुझे पूछ रहे हैं सुंदर ने अभी तक सोसाइटी का काम शुरू क्यों नहीं किया। अभी मैं क्या बताऊं कि उसने काम शुरू क्यों नहीं किया। वो जो भी है, लेकिन जरा शांति से बात कर, आजू बाजू वालों को लगेगा कि इधर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ओह सॉरी। जब जाके सो जा, कल सुबह बच्चों को घुमाने ले जाना है तो सुबह जल्दी उठ जाना। बापूजी, कल सुबह मैं और दया यहाँ एक प्लॉट देखने जाने वाले हैं। भाई, तू इधर घूमने आया कि प्लॉट देखने आया? नहीं, वो अपने नितिन भाई दलाल है ना, वो बता रहे थे कि यहाँ बहुत बढ़िया प्लॉट है। हाँ। तो मैंने सोचा यहाँ तक आए हैं तो लगे हाथ देख लूं। ठीक है, फिर भी जल्दी उठ जाना। ठीक है बापूजी। सारा सामान लगता है सोसाइटी में काम शुरू होने वाला है। अच्छा, चलो देखते हैं। हाँ, चलो चलो। तारक, ये सामान कैसा? अरे हम गोकुलधाम सोसाइटी वाले हर हफ्ते कोई ना कोई फंक्शन नहीं करते, कल्चरल प्रोग्राम, तो परमानेंट स्टेज बन रहा होगा। अरे मेहता साहब। हाँ जी। देखा आपने? नहीं। क्या आप भी? अरे भाई, तीन तीन टेम्पो खड़े तो नजर तो आएंगे ना पोपटलाल। हाँ, लेकिन ये इतना सारा सामान। सामान तो सारा आ गया, लेकिन सामान के साथ कोई आदमी नजर नहीं आ रहा भाई। अरे बेटा भाई, क्या वो कोमल? वो देखो कितने सारे टेम्पो। अति भाई, कोमल भाभी, गुड मॉर्निंग। अरे बक्का भाई, हंस। हाँ, आराम से उतरो, आराम से। अरे आराम से क्या, हाथ धो ना। हाँ तो आराम से। क्या तुम भी कोमल? क्या बात है, कैम पार्टी। ओहो ओहो, बक्का लगता है सोसाइटी में काम शुरू होने वाला है। अरे भाई, तू तो खुशी की बात है, मुस्कुरा के बोलो पोपट लाल। पोपट भाई। हाँ? आपकी बात एकदम सच निकली। अरे भिड़े भाई, ओ भिड़े, भिड़े भाई, अरे भिड़े, भिड़े भाई, ते भिड़े, सवार पुरे सो हल्ला ठे रहे हो। भिड़े देखो तो क्या है, भिड़े भाई। हाँ अब्दुल भाई आ रहे, वो आ रहे। क्या हुआ? सामान आया भाई। ओ बेटा भाई, सुंदर भाई ने बिल्डिंग रिपेयरिंग के लिए सामान भेजा है, जल्दी नीचे आ जाओ बेटा भाई। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। गंगेत घोड़ा नाला माधवी, अब सोसाइटी का काम शुरू हो जाएगा। हाँ। मैं नीचे आके आता हूँ। हाँ। यार बका, लेकिन एक चीज बताओ मुझे, कोई सूचना नहीं दी और अचानक तीन टेम्पो लेके धड़धड़ाते हुए आ गए सामान लेके। अरे हमारे सुंदर भाई एक्सप्रेस ट्रेन जैसे, एक बार काम चालू किया तो एक झटके में काम तमाम कर देते। तमाम मतलब? मतलब काम पूरा कर देते। फाइनली हमारे सोसाइटी में काम शुरू होने वाला है। हाँ हाँ, मुबारक हो भाई, सबको बहुत बहुत मुबारक हो, यानी कि अब इस सोसाइटी का चेहरा बदलने वाला है। हाँ, बधाई हो, बधाई हो। पक्का भाई, क्या सुबह सुबह गुड न्यूज दिया, वेरी गुड, चला कमाल लगा। तो भिड़े भाई, ये सामान यहाँ उतार दो।
बका भाई यहाँ रखेंगे तो हम लोग आएंगे जाएंगे कैसे? हंस बोलो ना। हाँ भाई मेरे पेशेंट्स को भी बहुत दिक्कत होगी। तो बोलो भिड़े मास्टर। हाँ बराबर है बराबर है, कहीं और। तो फिर यहाँ पीछे रख दो। उधर अरे नहीं नहीं बका, वहाँ पे क्लब हाउस में जाने का रास्ता है भाई, वो रास्ता ब्लॉक हो गया तो बच्चे परेशान करेंगे, खेलने कहाँ जाएं? बच्चों को दिक्कत होगी। तो फिर वो बोर्ड के बाजू में रखवा देता हूँ। नहीं 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 नहीं, वो मेरा वो क्या है, मैं हमेशा रोज विचार लिखता हूँ वहाँ पे, और सोसाइटी का ऑफिस भी वही है ना, तो वहाँ पे नहीं रख सकते। भाई अगर इतनी सारी दिक्कत है तो एक काम करते हैं, ये सामान उतारना ही कैंसिल कर देते। अरे अरे पोपट भौजी, कैंसिल क्या कैंसिल, एक तो इतनी मुश्किल से काम शुरू होने वाला है। हाँ भरी। नहीं माधवी भाभी ऐसी बात नहीं है, वो क्या है कि भाई भिड़े तुम्हें समझना चाहिए, तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, एक में या इस तरह से अचानक काम शुरू हो जाता है, सुबह सुबह 3 टेम्पो आ जाते हैं, ये सोसाइटी में सामान कहाँ रखना ये हमें पता नहीं है, हर काम एक सिस्टम से होना चाहिए। अरे भाई ये सोसाइटी है जंगल राजा, तुम्हें पहले बताना चाहिए कि ऐसे 3 टेम्पो आने वाले हैं सामान लेके। ये तूफान एक्सप्रेस, मुझे भी नहीं पता था कि सामान आ जाने वाला है। लो बोलो, इसको भी नहीं पता। अरे भाई सब बताओ ना, सामान कहाँ उतारना है, मुझे टेम्पो खाली करके जाना है। हाँ हाँ एक मिनट, सामान। अरे यार एक काम करो, वो जो गेट के पास लेफ्ट वाली जगह है ना, वहां पे सारा सामान उतार दो, वहां किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक जगह है। उनको बोलो ओ पलटे, गाड़ी भराओ गाड़ी भराओ। कोमल भाभी, रोशन भाभी, अभिनंदन अभिनंदन। हाँ कॉन्ग्रेट, फाइनली शुरू होगा। आगे लगा दो, आगे आराम से आराम से आने दो। बस चलो जल्दी सामान उतारो, चलो चलो। दिख जाओ इतने से मिट्टी में इतना टाइम लगाते हैं। क्या कर रहा है यार? देखिए ना बाबू, देखिए करता है अब्दुल यार, हैं? इस तरह से बांस ले जाए जाते हैं। अरे सब लोग बांबू यहाँ से लेके आ रहे, तू वहाँ से लेके आ रहे, और देखता भी नहीं है पीछे कोई खड़ा है, नहीं गिर गया ना डॉक्टर आती। क्या करता? सॉरी बोला ना। अरे भाई मैं तो ठीक हूँ, आप लोगों को चोट तो नहीं आई? आई है चोट। किसको? मेरे छाते को। देखिए क्या हालत हो गई उसकी। पक पक पक। अरे भाई छाते का, इसको छाते की पड़ी है, देखो मुड़ गया, पूरा मुड़ गया छाता, ऐसे होता है क्या? अरे छाता टूटा वो तो ठीक है, भिड़े का तो मुंह काला हो गया। क्या बात कर रहे? वो मिट्टी की क्वालिटी ठीक है? A1 क्वालिटी है, A1। ये A1 वाले गब्बस है। मैं तो सब ठीक है अभी। हाँ अभी ओरिजिनल मुंह आ गया। ओ भिड़े भाई, टेम्पो वाले को पैसा देना है, 50,000 दो। 50,000? भाई बका, सुंदरलाल को सोसाइटी ने 5,00,000 रुपए एडवांस दिया है। अरे 50,000 रुपए किस बात के भाई? बका भाई आपने तो बोला था पैसे दिलवा दोगी। अरे दिलवाता हूँ, शांति रखो भाई। भिड़े इनसे बात करने से कोई फायदा नहीं है, देखो हमने सुंदरलाल को 5,00,000 एडवांस दिए ना, तुम सुंदर को फोन लगाओ और बोलो तुम्हारे आदमी यहाँ है और माल का 50,000 रुपए और मांग रहे हैं। 50,000? इधर क्या नेटवर्क नहीं आ रहा था? पहला नंबर नहीं लग रहा है, उसका नेटवर्क नहीं है, चलो दूसरा भी नहीं। अरे मेहता साहब, हाथी भाई, एक तो सुंदर के 5 नंबर है। बाप रे, तो अच्छी बात है ना, पोपटलाल कोई ना कोई तो लगेगा ना। तीसरा भी नहीं लग रहा है मेहता साहब,
ये लो चौथा तो मौजूद ही नहीं है। अरे इसके इसका तो एक भी नंबर नहीं लग रहा है। भिड़े उसको छोड़ो तुम। ये भाई है बक्का, तेरे पास होगा ना सुंदर लड़का लेटेस्ट नंबर, फोन लगा उसको। अरे मेरा फोन तो गुजरात का है और नेटवर्क नहीं है उसमें। ये लो। अरे भाई आप लोग ऐसा समझो कि 5.5 लाख रुपया एडवांस दिए। क्या समझ ले, क्या समझ ले? 50,000 रुपए देने बक्का, 50 रुपए नहीं। भिड़े तुम इसको छोड़ो, एक काम करो जेठालाल को फोन लगाओ। जेठालाल का साला है सुंदर, उसके पास होगा उसका नंबर, ये नया नंबर, बात करो उससे। हाँ इस वक्त ये ठीक रहेगा। अरे भाई तुम चलो, अरे अरे कितनी दूर है प्लाट? क्या पता बैठने, तुझे कहाँ कहीं जाना है? नहीं तो बच्चे। अरे अभी क्या है भाई? हाँ जेठालाल तुमने सुंदर को फोन किया था क्या? नहीं भाई कोई बात नहीं हुई है। तो फिर ये कैसे हो गया? क्या? अरे ये बका अभी सुबह सुबह यहाँ पे सोसाइटी रिपेयरिंग का सामान लेके आया, पूरा रेती सीमेंट बांबू वगैरह। अच्छा आया तो आया, अभी मटेरियल कॉस्ट का 50,000 रुपया मांग रहा है। तो अभी सुंदर को हम लोग फोन ट्राई कर रहे, उसके 5वां नंबर नहीं लग रहे, तो इसलिए पूछने के लिए फोन किया कि तुम्हारे पास उसका कोई लेटेस्ट नंबर है क्या? नहीं नहीं मेरे पास भी वही नंबर है जो तुम्हारे पास है। ओके चलो बाय। हेलो हेलो क्या हुआ भिड़े? नेटवर्क गया, फोन काट दिया। लो ये क्या नाटक है भाई, मुझे 50,000 रुपए दो वरना माल वापस लेके जा रहा हूँ। शांति शांति भाई, ले जाओ भाई ले जाओ, तुम्हारा माल लेके जाओ। ओ भाई माल वापस लेके जाएगा तो 5,000 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा और काम भी होली के बाद चालू होगा। अरे ये क्या बात हुई बका? नहीं नहीं ये तो बहुत लेट हो जाएगा। ये भाई ये खुल्लम खुल्ला दादागिरी है। भिड़े तू एक काम कर, जेठालाल को अभी के अभी फोन कर और बोल सुंदर उसका साला है तो उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी पैसों की। सही बात है। ओ कमिटी मेंबर तुम भी तो फोन लगा सकते हो जेठालाल को। अरे ये कहाँ से लगाएगा, इसके तो फोन में बैलेंस ही हमेशा 3 रुपए रहता है। नेता साहब मुद्दा बैलेंस का बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर मुद्दा सिद्धांत का। ओहो भाई भिड़े तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है फोन करने की, तुम करो फोन। हाँ मतलब। अरे भिड़े मास्टर तुम इतना क्यों घबरा रहे हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ करो करो भाई। ये तो पर क्या आवा हुआ, तुम्हारे ऊपर चढ़ा दे क्या गाड़ी? चलो आ गए। फर्स्ट क्लास देखो, चका चक एकदम हरियाली वरियाली एकदम परफेक्ट प्लॉट एकदम जबरदस्त। ये है प्लॉट। पानी में प्लॉट? नहीं पानी अलग है और प्लॉट अलग है। वो पानी वो है, ये पूरा प्लॉट है। पानी पसंद नहीं है तो पानी निकाल देंगे। अरे नहीं नहीं पानी तो बहुत पसंद है, उल्टा पानी की वजह से ये पूरे प्लॉट का रूप निखर आया है। कट कर दिया फोन, बिजी होगा यार, वो हॉट एयर बैलून में हो सकते हैं वहाँ पे। करेगा वापस करेगा फोन, नहीं तो ट्राई करना तुम। क्या कीमत क्या है प्लॉट के? सेठ इस वक्त ये प्लॉट पानी के भाव में बिक रहा है, 15 रुपए लीटर। सिर्फ 50 लाख। और देखो कितना फर्स्ट क्लास प्लॉट है, और कुछ भी बनाओ, और ये तरफ देखो तालाब है, ये तरफ पर्वत है, फर्स्ट क्लास हाउस बना दो, मौज करोगे मौज। टप्पू के पापा बहुत मस्त प्लॉट है, चलिए ना खरीद लीजिए ना। दया वो देखा तूने? क्या? एक मिनट
थोड़ा पर्सनल है। वो देख कहाँ? ऐसे प्लॉट अगर पसंद आ भी जाए ना तो ऐसे तुरंत नहीं बोलते हैं कि बहुत अच्छा है ले लीजिए। क्यों? उधर देख। क्यों पर? लेकिन क्यों? अरे ये एजेंट लोग बस चालू होते हैं, उनका जरा भी भनक लगी ना कि प्लॉट हमको पसंद आ गया है तो एक रुपया भी कम नहीं करते है फिर। लेकिन आपको क्यों रुपया कम करवाना है? अरे ये सब व्यापार की बात है, तू नहीं समझेगी। तू शांति रख, देख मैं कैसे पैसा कम करवाता हूँ। नितिन भाई, ये 50 लाख थोड़ा ज्यादा है। अच्छा कुछ नहीं, चलो अपने रिस्क पे 25,000 कम करो। 50 लाख में 25,000 कम करके क्या कम किया आपने? अरे सेठ ये प्लॉट की बहुत डिमांड है यहाँ। नहीं नहीं, इतना खास प्लॉट नहीं है। चलो टप्पू के पापा कहीं और चलते हैं। दया वो देखा तूने? क्या कहा? अरे ऐसा भी नहीं बोलते दया तुरंत कि चलो कहीं और जाके देखते हैं। समझ गई। वैसे इतनी बुरी जगह भी नहीं है। बिल्कुल सही बताया भाभी जी, बिल्कुल सही बताया। अरे ये जगह की तो डिमांड है, आंख बंद करके भी ढूंढोगे ना तो भी यही जगह दिखाई देगी। बगल से हाईवे निकलने वाला है और 3-4 होटल होने वाली है। 1 साल के बाद ये प्लॉट का डबल नहीं होगा ना तो मैं मेरी मूछे मुंडवा दूंगा। मूछा कहाँ? नहीं पहले उगा उगा फिर मुंडवा उगा। अच्छा नितिन भाई मैं क्या कहता हूँ, अगर 45 लाख बोलते हो तो बोलो अभी के अभी डन कर देता हूँ। नहीं नहीं 45 लाख सुन के ध्रुजारी नहीं हुई। फोन वाइब्रेटर बेटा। हेलो, हाँ 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 बोलो पटेल साहब। नहीं आप ही की पार्टी आई है, हाँ उसको ही प्लॉट दिखा रहा हूँ। हाँ नहीं ओ, ओ देखा 45 का ऑफर दिया है, अभी वो डन कर देगा। 45 में डन हुआ तो 5 लाख की बचत। टप्पू के पापा मस्त जगह है। टप्पू की शादी के बाद हम यहाँ झील के किनारे एक बड़ा सा बंगला बांधेंगे। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, भूलोगे शहर में हो घर अपना। ना माफ कीजिएगा, मैं कोई गाना नहीं गा रहा हूँ, मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि एक आम जिंदगी के अंदर एक आम आदमी के ख्वाब होते हैं, घर बनाने के ख्वाब होते हैं, ख्वाब होते हैं कि अच्छी इनकम हो, ख्वाब होते हैं कि अच्छा पारिवारिक जीवन हो, ख्वाब होते हैं कहीं घूमने घामने जाया जाए। भाई ये सारे ख्वाब जिसके पूरे हो जाते हैं वो अपने आप को बड़ा सुखी पाता है। मेरे मित्र जेठालाल बड़े सुखी हैं, लगभग सारे ही सपने पूरे हो गए, अच्छा पारिवारिक जीवन है, स्वस्थ भी है, घूमने जाने को भी मौका मिलता है, एक घर भी है, लेकिन व्यापारी भी है, इसलिए इन्वेस्टमेंट का मौका कहीं नहीं चूकते, और चूकना भी नहीं चाहिए, जिंदगी में फायदा जरूर होना चाहिए। इसलिए एक मन में ख्वाब छोटा सा ये भी है कि भाई जहां कुदरती
सौंदर्य हो, वहाँ अपना एक घर और हो तो क्या बात है। इसलिए एक प्लॉट लेने की सोच ली जेठालाल और दया भाभी ने, और बड़े रोमांटिक अंदाज में यहाँ एक गाना भी गुनगुना चुके हैं। अब देखना यह है कि इस प्लॉट की खरीद में क्या क्या होता है। और इधर गोकुल धाम में जो रेनोवेशन का काम अटका हुआ था वो भी प्रारंभ हो चुका है, यानी कि दोनों तरफ हंगामे बराबर हैं। और अभी कच्छ की जो यात्रा है इसमें बहुत सारी मस्ती बाकी है, जो हमारा लोक संगीत है, नृत्य है, वो अभी देखना बाकी है। यानी कि आपके लिए भरपूर मस्ती है, भरपूर ठाके हैं, इधर भी उधर भी, और आपके घरों में हंसी ही हंसी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.